आज हम लोग जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन। तो गाइस अपना पोपट हो गया, हम लोग गलत जगह उतर के गाड़ी घूम जाएंगे। तुम मत बैठो, एक ही तरफ रहेगा झूला। फिर तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो भाई हम चलते चलते थक गए, लेकिन यार हमें एग्जिट नहीं मिलता, इतनी देर हो गई। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज का सीन है कि अभी बज चुके हैं 11 और भाई आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन में, जो कि हमारा 12 बजे का स्लॉट बुक है। अभी 11 बज चुके हैं, थोड़े बहुत रेडी शेडी होता है, खाना पीना खाते हैं, फिर वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आपको, क्योंकि वैसे खुलता नहीं है वो वाला पार्क इस मौसम में, लेकिन इस बार 17 तारीख तो खुला है, 17 सितंबर तक। आज 13 सितंबर है, आज जाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। फिलहाल भाई चलो निकलते हैं। ये रहे अपने ड्राइवर मिस्टर परमजीत सिंह। चलो ड्राइवर, मिस्टर ड्राइवर कुछ बोलो। मिस्टर ड्राइवर तो भाई अभी फिलहाल गाड़ी लगा दी पार्किंग में और अभी चलते हैं। हमें तो रास्ता नहीं पता कहाँ से मुगल गार्डन का रास्ता। रास्ता कहाँ से है? राष्ट्रपति भवन है इतना बड़ा। अभी गाड़ी पार्किंग में लगाई है, अभी देखते हैं कहाँ जाना है। चलते हैं भाई, 12 बजे का स्लॉट था, 12:12 तो यहीं हो गए, 12:12। तो गाइस अपना पोपट हो गया, हम लोग गलत जगह उतर गए गाड़ी से। अभी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है पार्क अपना, और हम पहले उतर गए, हम राष्ट्रपति भवन पे उतर गए, सामने अपना इंडिया गेट है। कोई बात नहीं, चलते हैं अभी वापस गाड़ी पार्किंग से उठाते हैं, चलते हैं फिर। तो भाई जैसे तैसे करते करते अब हम लोग पहुँचे थोड़े बहुत सही रास्ते पे, सामने अपना राष्ट्रपति भवन है। रकाबगंज की साइड से आना, मैं सबको बता दूँ जो भी अगर आएगा कभी, राष्ट्रपति भवन के अंदर मत जाना, घूमते रह जाओगे। यहाँ बसें खड़ी हैं, स्कूल के बच्चे घूमने आए होंगे, चलते हैं। तो गाइस फिलहाल हम लोग एंट्री ले चुके हैं। ये रहा उद्यान उत्सव टू विजिटर मैप, ये है ना पूरा का पूरा, पता नहीं क्या क्या छोटा छोटा। भाई हमारे अलावा बाकी भी स्कूल के बच्चे आ रखे हैं यहाँ पर, और अभी हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या सिस्टम है यहाँ का। मैं पहली बार ही आ रहा हूँ, एक बार ही घूमने की जगह, दोबारा आने का फायदा नहीं है। आपको पीछे दिख रहे होंगे बाकी बच्चे भी घूम रहे हैं हमारे अलावा, और अभी देखो सब वीडियो बना रहे हैं, कोलैब कर ले भाई, ब्लॉगर है तू भी। तो आगे अभी चलते हैं हम लोग, दिखाते हैं आपको। वैसे वीडियो बनाना बोलते हैं लाउड नहीं, लेकिन सभी बना रहे, हम भी बना देंगे, थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट लेते हैं। तो भाई यहाँ पर कोई ये बच्चों का एरिया खेलने कूदने का, क्या कैसे कहाँ कहाँ घूमने बताओ तो सही। हाँ सामने वो सस्ता झरना है, मतलब छोटा वाला झरना है। Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. तो भाई थोड़े मजे ले रहे हैं हम, 2 मिनट में मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ इस वाले झूले पे झूलेंगे, रुक जाओ वीडियो बना दो, ओए रुक जाओ। चलो अरे घुमा दो यार, बैठ जाओ घूम। तो भाई अभी हम लोग घूम रहे हैं बच्चों वाले एरिया में, जो हमने वो साले झूला जो है वो टाइट है, ये वाला झूला इसमें झूल लिया, इस पे ये गगन दीदी झूल रही हैं। हाँ बस आ गया बच्चों ना, ठीक है आ गया, बाकी हम लोग घूम रहे हैं। ना आ रहा गुस्सा कह रहे हैं मुझे, इतनी गर्मी में कहाँ पे लेके आ गया आज ये। कंट्रोल बाकी भाई ये रहा सारा का सारा एरिया। पहाड़ों क्यों जाइए, मैं आ चुका हूँ गाइस, मेरे वजह से तो ये उठ ही नहीं रहे, मैं इनके वजह से उठ रहा हूँ, उठाओ ऊपर उठाओ 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 उठाओ, उठ गया उठ गया। और अगर मैं कूदूंगा ना, मैं कूद रहा हूँ ये उठ ही नहीं रहे, ये उठ ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे भाई ये बस ओ तेरी बस, अब मैं नहीं आने दूंगा नहीं। चलो बहुत हो गया, चलो मुझे उतारो तो सही, उतर गया। चलो अब मैं और गगन दीदी दोनों एक तरफ और पम्बी भैया एक तरफ, तुम मत बैठो एक ही तरफ रहेगा झूला, फिर तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। टू वर्सेस टू, ये दोनों बड़े बड़े और हम दोनों छोटे छोटे हैं।
शीशम का पेड़ हूँ, मेरी उम्र लगभग 225 वर्ष है। मुझे इंडियन रोड के नाम से भी है, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और श्री सी राजगोपालाचारी। भाई अभी तो हम लोग थोड़ा सा ही घूमे और यहाँ पे हमने झूले वगैरह झूले। अभी मैं तो बहुत थक गया, पसीना आ रहा है बड़ा गंदा वाला। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और दोपहर को हम यहाँ घूम रहे हैं। भाई साहब बहुत गर्मी है, कोई बात नहीं, मजे भी आ रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। चलते हैं अभी आगे घूमते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें। आपको सिनेमेटिक शॉट्स भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ मजे भी कर रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं भाई हर्बल गार्डन में। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होंगे जो कि आपको मैं सिनेमेटिक शॉट में दिखाता हूँ। अभी हर्बल गार्डन के मैंने आपको कुछ शॉट दिखाए हैं, इतने एरिया के थे। आगे और अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं और सामने की तरफ है वो डांसिंग फाउंटेन, मतलब नाश्ता हुआ झरना, झरने तो बोलते हैं ना, फव्वारा फव्वारा। अभी चलते दिखाते हैं आपको उसको। तो भाई ये है बोनसाई गार्डन, जो कि बोनसाई का मतलब ये जो पेड़ होते हैं ना, इतने ही रहेंगे प्लांट्स जितने होते हैं वाले पेड़। और इधर स्कूल को चले वजह से शोर आ रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ तो भाई देखो ये जो पेड़ हैं इतने ही रहेंगे, तो इन्हें बोनसाई ट्रीज बोलते हैं। देखो तो भाई अभी आ चुके हैं हम लोग डांसिंग फाउंटेन पे, आपको सामने दिख रहा होगा फाउंटेन डांस कर रहा है। इधर म्यूजिक बजता है, म्यूजिक की बीट्स के साथ ये नाचता रहता है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो डांसिंग फाउंटेन, ये देखो भाई। तो भाई हमारे ऊपर तो पानी आ रहा है भाई, पीछे फव्वारा है देखो फाउंटेन। चलते हैं भाई अभी घर पे, और अभी आई थिंक ना फरवरी में खुलता है तब सारी चीजें खुलती हैं, क्योंकि फरवरी में जब खुलता है तो सारी चीजें खुली होती है। अभी तो नॉर्मल पब्लिक के लिए घूमने के लिए खुलते हैं, अभी सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। अभी चलते हैं। हमारा भाई वीवीआईपी बंदा बन के आ चुका है राष्ट्रपति भवन में, हम बहुत वीआईपी बन गए। ये रहा राष्ट्रपति भवन पीछे। They slipped out of my control and you know where they hide. तो भाई दिल्ली में रहते हुए मुझे इतने साल हो गए और मैं राष्ट्रपति भवन के इतने पास पहली बार आया हूँ, देखना बिल्कुल सामने ही है। यहाँ से अच्छा व्यू नहीं आ रहा, अभी आपको अच्छे से व्यू दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन का। ये देखो भाई साहब कितने पास घूमे राष्ट्रपति भवन के हम लोग। ये रहा सामने राष्ट्रपति भवन। तो गाइस पेश आपके सामने, मतलब मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन, इतने पास में यार, पहली बार देख रहा हूँ इतने पास से मैं। इतने साल हो गए दिल्ली में रहते रहते, पहली बार इतने सामने से देख रहा हूँ। तो भाई हम चलते चलते थक गए, लेकिन यार हमें एग्जिट नहीं मिलता, इतनी देर हो गई क्या पता नहीं कौन सी जगह पे पहुंच गए। इसमें कह रहा था वो ब्लैक रोज, ब्लैक रोज यहाँ पे आता है। फरवरी के टाइम में खुला होता वहाँ पे, तो उस टाइम आते ब्लैक रोज। इस टाइम पे उन्होंने पहली बार ऐसे ही खोल दिया मजे मजे में। यार एग्जिट नहीं मिल रहा यार, थक गए गर्मी में अब तो। एक घंटा घूमने के बाद फाइनली एग्जिट मिल गया और हम बाहर आ गए। और आप कुछ कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे? वोरा वाटर कूलर, वाटर कूलर बोला। ये बताओ कुछ कह रहे थे ना, यहाँ जब टिकट कराते लिखा होता है फोन अलाउड नहीं है, वीडियो नहीं बनेगी और बहुत सारी चीजें लिखी थी। अबे सब हो रहा है, वीडियो भी बन रही है, सब हो रहा है। देखो मैंने फिल्म में ब्लॉग बनाया, इतनी प्यास लग रही है, वो वाली मीम याद आ रही है। फिलहाल गाइस हम लोग निकल चुके हैं बाहर और भाई बड़ा थक गया, ब्लॉग नहीं बनाऊंगा अब, सीधा घर पहुंच के ब्लॉग बनाएंगे। बड़ा थक गया यार, अब सीधा घर पहुंचते हैं। अभी बज रहे हैं 2:05, घर पहुंचते हैं फिर आपसे सीधा तब मिलेंगे। बहुत थक गया अभी, काल का बज रहे हैं शाम के 6:00 में आ गया था भाई, और इस बल्लू की वजह से ना सारा मूड खराब हो गया। आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है, मैंने सोचा था कि 15 देखने आएंगे, आपको भी दिखाएंगे अपने टेक चैनल के लिए, अपने टेक चैनल के लिए वीडियो बनाएंगे टेक वाले चैनल के लिए। फायदा नहीं है ये अकेला अकेले दोपहर को आईफोन देख के आगे मुझे नहीं दिखाया इसने, मेरी बात सुनो, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? अरे यार आईफोन ज्यादा पर लेना नहीं है, अरे वो वीडियो बनानी है ना, वीडियो बन चुकी है बहुत ज्यादा। अरे वो मैं ही बनाऊंगा, ट्रेंडिंग चलती है वीडियो यार एक दो दिन तक। नहीं, नहीं, कुछ और यार इसे समझाओ, मैं इसका फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, लोग इसे कॉल करके समझाओ यार कि ट्रेंडिंग ट्रेंड चलता है थोड़े दिन तक। नहीं चलता, खत्म हो गया। मैं इसे देखता हूँ बड़ी देर से मना रहा हूँ, मान के जरूरत है, नहीं तो फिर यही कर सकते हैं। तो भाई आईफोन को तो पक्का नहीं पता, अभी देखने जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं अपडेट देती हूँ जो अपने क्वार्टर बंद रहा, इतना काम हो चुका है। देखो सामने लिफ्ट लग रही है और अभी यहाँ पे नीचे सरिया से जाल बिछा दिया, पूरा बेस बनाएंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी, फिर क्वार्टर बनेंगे यहाँ पे। सबसे अच्छी बात लिफ्ट लग रही है यहाँ पे, सामने ये लिफ्ट ही है जो आपको दिख रही है।
अभी गाड़ियां पार्किंग लगाई, गाड़ी पार्किंग अभी गाड़ी में पार्क अभी गाड़ी पार्किंग अभी गाड़ी पार्किंग में लगाई है, अभी देखते हैं कहाँ जाना है। पूछ दे दीवाने अपने सटी मां।